और अगर इनका गठबंधन हो जाएगा सपा का और इनका, देखो बुरका और खुरपा अगर मिल जाए तो कोई इन्हें हरा नहीं सकता। आजम खां के ऊपर शराब के ठेके के ऊपर 335 रुपए का जो है उन्होंने वहाँ डकैती मरवाई है, आजम खान ऐसा कर सकते हैं? आजम खान क्या उठाई गिरे? अरे ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिर्फ मुसलमान के लिए है, अखिलेश आदमी तो ऐसा है कि वो सबको इकट्ठा लेकर साथ चलते हैं। जी टक्कर तो बहुत अच्छी दी थी अखिलेश यादव ने, ऐसी बात नहीं है, और अभी भी बहुत ही मतलब जो है ना, मतलब पसंद तो उन्हें सभी करते हैं लेकिन किस्मत जिसका साथ दे है नहीं। लेकिन ये कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर रहते लेकिन मुस्लिम वोट बैंक 2022 में नहीं मिला और 24 में भी नहीं लगता। देखो अगर बहन जी के साथ थोड़ा गठबंधन किया तो कुछ ना कुछ चांस है अखिलेश यादव के। गठबंधन तो पिछली बार भी किया था लेकिन फिर हार का सामना करना पड़ा था। देखिए गठबंधन जो था, देखो नेता की बात है, अगर आपने टिकट अच्छे नेता को दिया होगा तो इंशाल्लाह जीत मिलेगी। जैसे कि आपके इन्होंने जया बहन जी ने इन्हें टिकट दिया था यहाँ से हाजी फजल रहमान को, तो देखो जीते हैं। और अगर इनका गठबंधन हो जाएगा सपा का और इनका, देखो बुरका और खुरपा अगर मिल जाए तो कोई इन्हें हरा नहीं सकता। बुरका खुरपा अगर मिल जाए। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद माजिद। माजिद ये बताइए, कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पे राजनीति होती है, अखिलेश यादव भी मुस्लिम वोट बैंक पे जीते हैं, लेकिन 2022 में कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक भाजपा को चला गया और अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। अब के नहीं होगा, सब के इंशाल्लाह सब वोट मुसलमानों का वोट सब उसमें ही पड़ेगा। कह रहे मुस्लिमों से दूरी बनाते रहते अखिलेश यादव, आजम खान साहब जेल में थे तो उनसे मुलाकात नहीं, अब नाहिद खान जेल में नाहिद हसन, तो कह रहे अब डेलीगेशन भेज रहे सिर्फ अब चुनाव के समय पर। क्या नहीं लगता कि मुस्लिमों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे? नहीं, मुसलमानों के लिए दिल में जगह है अखिलेश यादव की, ऐसी बात नहीं। अगर जगह है तो 2022 में चुनाव में हार क्यों भेज? वो तो देखो सब ऊपर नीचे होता ही रहता है, देखते हैं आपके इंशाल्लाह हो जाएगी जीत। आपके हो जाएगा जी इंशाल्लाह। नाहिद हसन को आखिर अब चुनाव के समय पे डेलीगेशन भेजना कैसे देखते हैं? वो तो देखना पड़ेगा, देखते हैं जैसे भी होता है। जनता चाहती है, जनता चाहती है, जो भी है जनता तो बहुत जनता चाहती है। लेकिन जी अगर जनता चाहती है तो इस समय चुनाव के समय में क्यों जा रहे हैं अखिलेश यादव? अब से पहले क्यों नहीं, इतने समय से जेल में बनते, अब मुजफ्फरनगर की जेल से उनको चित्रकूट। देखिए राजनीति है, सबको खुश करना पड़ता है इसमें, क्योंकि उन्हें वोट सबका चाहिए होता है। अगर वो एकदम उन्हें बाहर करवा देंगे, समझ गया, तो उनकी और जो वोटर हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, समझ गया। इसीलिए राजनीति में कुछ ना कुछ फिर बदल करना पड़ता है। आजम खां पे तो जो है मुर्गी चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया है, आजम खां के ऊपर शराब के ठेके के ऊपर 335 रुपये का जो है उन्होंने वहाँ डकैती मरवाई है, आजम खान ऐसा कर सकते हैं? आजम खान क्या उठाई गिरे? गली गैंगस्टर एक्ट है। हाँ तो मेरे भाई नाहिद हसन पर क्या, आप तो जो है इमरान मसूदी के ऊपर भी एक्ट लगवा दो। इस टाइम तो सत्ता के अंदर कौन है सब जानते हैं, सत्ता में कौन नहीं है, और जो सत्ता के खिलाफ बोल लेगा उसे आप जेल में उठा के बंद कर दोगे। अखिलेश यादव का चुनाव के समय पे मिलना क्या लग रहा है, सिर्फ राजनीति या वाकई मुस्लिम प्रेम? सर जी अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था संजय गर्ग, वो भी एक हिंदू कैंडिडेट थे और हमेशा जीतता है सहारनपुर से हमेशा। नहीं एक मिनट, कोई बात नहीं, हार गए तो ईवीएम है सर ईवीएम है, ईवीएम को तो ऑल इंडिया जानते हैं, ईवीएम क्या चीज़ है क्या नहीं है। ईवीएम को तो संसद के अंदर हैक कर दिया था लड़कों ने बैठ के, इंजीनियर ने, आप देखिए टीवी आपको खुद पता लग जाएगा। जब हार का सामना होता है विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है। सर ईवीएम पे तो कोई भी सवाल उठा देगा, कूड़ेदान के अंदर से ईवीएम पकड़ी जा रही है इलेक्शन के टाइम, रेडों के अंदर से ईवीएम पकड़ी जा रही है, डीसीएम टोयोटा में से ईवीएम पकड़ी जा रही है, तो ये क्या है ईवीएम? मुस्लिम खुद कहने लगे कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिमों से प्यार करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं गलत बात है, किसने कहा है बुलाइए हमारे सामने बुलाइए, किसने कहा है? तो अल्पसंख्यक मोर्चा है जो लगातार मुस्लिमों के पक्ष की बात करता है। सर जी भाजपा तो हमेशा मुस्लिमों के पक्ष की बात करती है, आप ऑल इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लें कितना मुस्लिम के पक्ष की बात कर रही भाजपा। तो यही कारण है कि भाजपा के जीतने का कारण ईवीएम है सर, और कुछ नहीं है। ये मुसलमानी महल्ले में आप खड़े हो, आप थोड़ा आगे जाओ हिंदू महल्ले मालूम करो, वहाँ भी आपको खुद ये बता देंगे कि ईवीएम क्या है क्या चीज़ नहीं है। ईवीएम ईवीएम पर सवाल है, क्या नाम भैया आपका? अब्दुल रहमान सर। रहमान जी क्या लग रहा, क्या अखिलेश यादव सच में मुस्लिमों की तैशी है या फिर चुनावी है? चुनावी है सर और कुछ नहीं है, चुनावी है सिर्फ जी। कह रहे आज जो 2022 में हार का सामना करा था वो भी सिर्फ इसी कारणों से किया था, इसमें कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। सर मुद्दा तो इस बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बताइएगा सर। आइए भैया जी, इनसे तो बातचीत हो, क्या आप कैसे देखते भैया? चल चल आप बताइए भाई जी। भैया जी ये तो पॉलिटिक्स का मामला है, अरे ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिर्फ मुसलमान के लिए है, अखिलेश आदमी तो ऐसा है कि वो सबको इकट्ठा लेकर साथ चलते हैं। सबको इकट्ठा लेकर साथ चलते जी, ये तो आपके ये तो आप लोगों की छोटी सी सोच है।
मीडिया वालों की खास तौर पर 2024 के चुनाव में फिर से वापसी होगी इंशाल्लाह रहमान 100 के 100%। और आप जैसों को साथ लेके जीतेंगे साथ लेके जीतेंगे आप मीडिया वालों को पहले साथ लेके जीतेंगे मीडिया वालों के साथ।